गुड मॉर्निंग, एक और दिन की शुरुआत आज कुछ इस तरह हुई है, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर बादल लगे हुए हैं बहुत सारे और इधर देखो थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है और यहाँ भी बादल लगे हुए हैं। कभी कभी तो ऐसे बादल लग जा रहे हैं कि बहुत तेज़ जैसे बारिश आएगी। तो अभी अपने को जाना है मार्केट, मार्केट थोड़ा काम है। तो अभी कभी धूप निकल रही है, कभी बारिश जैसा मौसम जा रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा यार गोप्रो लेके जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि बाइक राइडिंग के लिए तो गोप्रो ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल से शूट नहीं हो पाएगा। और डर एक ये भी है, अगर बारिश लग गई तो समझ लो गोप्रो को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी देख लेते हैं, मौसम ज़्यादा ख़राब होगा तो गोप्रो को नहीं लेके जाएंगे, और मौसम ख़राब नहीं होगा तो अपना गोप्रो लेके जाएंगे। अभी निकल चुके हैं घर से और मौसम ऐसा हो रखा है, तो अभी तो बारिश नहीं गिर रही है, बारिश जैसा मौसम हो रखा है, देख लेंगे यार अगर बारिश गिरेगी तो। बैग है अपने पास, गोप्रो को कैसे न कैसे तो बचा ही लेंगे, भीगने तो नहीं देंगे। और फटाफट चलते हैं मार्केट में, आज तीन चार काम है, एक काम भी नहीं लगभग तीन चार काम है, और सारे काम एक साथ ख़त्म करके आने हैं क्योंकि बहुत ही ज़रूरी वाले काम हैं। अभी देखते हैं कितने काम होते हैं कितने नहीं होते हैं, ऐसे तो सब होने चाहिए क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया में काफ़ी चीज़ छूट मिली है दुकानों में, तो काफ़ी दुकानें खुल रखी हैं और अपने को भी दुकानों में ही काम है। देखेंगे आज नहीं हुआ तो कल करवाएंगे, लेकिन करवाना ज़रूरी है। और आज का मौसम बहुत मस्त है यार, कभी धूप निकल जा रही है, कभी बिल्कुल बादल लग जा रहे हैं, तो अभी मतलब बहुत अच्छा हो रखा है। अभी बारिश तो नहीं गिरेगी इतना तो पता है अभी, और ये धान लगने की तैयारी। और अभी अपने को दो तीन दिन के अंदर आउट ऑफ स्टेट भी जाना है, तो अभी मैं बस का ही पता करूँगा क्योंकि अभी पता नहीं यार ऑर्डिनरी बस चल रही है क्या नहीं, क्योंकि बहुत दिन से उत्तराखंड में जो रोडवेज बसें हैं वो सब बंद थी। तो अभी मैंने उस दिन पढ़ा था न्यूज़ में 14 तारीख से कुछ तो मतलब बस शुरू करी गई हैं, सेवाएँ चालू हुई हैं, तो अभी मुझे पक्का पता नहीं है। तीन चार दिन के बाद अपने को एक बहुत ही ज़रूरी काम है, तो अपने को उत्तराखंड से बाहर जाना है दूसरे स्टेट में, तो उसके लिए पता करना पड़ेगा। अगर बस चल रही होंगी तो बस से जाना पड़ेगा, नहीं चल रही होंगी तो फिर बाइक से जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी काम है, जाना तो है ही। जो हमारा वाला एरिया है यहाँ से बस चालू हुई है कि नहीं, और अभी तो मैंने देखा था जैसे कि देहरादून ऋषिकेश वहाँ से हरिद्वार वहाँ से तो बस चल गई थी, लेकिन अपने वाले एरिया का पता नहीं है तो वो पता करना पड़ेगा। अभी पहुँचने वाले हैं बाजपुर मार्केट, और मार्केट में फर्स्ट टाइम ब्लॉग कर रहा हूँ, मैंने अभी तक मार्केट में एक भी ब्लॉग नहीं किया है, क्योंकि मैं जब भी आता था तो मार्केट से पहले ही अपना कैमरा निकाल लेता था। मैं इसीलिए ब्लॉग नहीं करता यार, लोग बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं जब मेरा हेलमेट में कैमरा लगा होता है मार्केट में। तो भीड़ देख रहे हो, लग नहीं रहा कहीं से लॉकडाउन है, लेकिन एक दो बजे के बाद ये पूरी भीड़ खत्म हो जाती है और पूरा रोड सुनसान हो जाता है, क्योंकि तो जितना भी काम होता है लोगों को वो टाइम से निकल जाते हैं, उन्हें पता है यार कुछ टाइम के लिए मार्केट खुलती है फिर बंद हो जाती है, तो इसलिए सभी लोग निकल जाते हैं अपने काम के लिए। और जैसे ही यहाँ पर दो बजेंगे पूरा सुनसान हो जाएगा, पूरा रोड खाली खाली, और सब जगह पुलिस की गाड़ियाँ मिलती हैं या पुलिस वाले मिलते हैं। सीन क्या मस्त हो रखा है, क्या मस्त लग रहा है, जब लॉकडाउन का जैसा देखते हैं ना दिन में भीड़, एक अलग ही फीलिंग आती है। तो बाजपुर से तो हम अपने काम कर आ गए थे, और आने के बाद मैं वीडियो एडिट कर रहा था, और एडिट करते करते पता ही लगा कम आँख लग गई और मैं सो गया, और अब भी लगभग दो या तीन घंटे की नींद लेकर अभी उठा था। फिर मैंने वीडियो देखी और उसके बाद थोड़ा जो फाइनल कट रह गया था करने से वो पूरा करा, उसके बाद वीडियो एडिट की और फिर अपलोड भी कर दी। करने तो गए थे अपने बाजपुर चार या पाँच काम, लेकिन अपना एक ही काम हुआ और बाकी जो दो काम थे वो अधूरे अधूरे हुए, तो अपने काम पूरे हो नहीं पाए, कोई दिक्कत नहीं। और अब शायद अपने को कल भी जाना पड़ेगा, शायद अपने कल वो काम हो जाए,
और उसके बाद मैं अभी सब कुछ करने के बाद मैंने कहा चलो ऊपर चलते हैं छत के, तो छत के ऊपर आया था। मौसम इतना बढ़िया हो रखा है ना अभी, मतलब दोपहर के टाइम में तो धूप निकल गई थी और काफ़ी गर्मी सी हो रही थी, और अब भी बिल्कुल मतलब चारों तरफ बादल जैसे लग गए हैं, तो मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। मैं ऊपर आ गया।